मुझे न मारो बाबा, 7 दिन की नाजुक मासूम और पिस्तौल की 5 गोलियां। आज लिखने को ना तो हाथ तैयार हैं, न दिल की धड़कने साथ दे रही हैं। शायद एक माँ का पूरे मियाँ वाली का, सारे पाकिस्तान का कर्ब मैं लफ्जों में ढाल सकूं। 7 दिन कबल एक रहमत ने एक जालिम बाप के घर आँख खोली। ऑपरेशन थिएटर से नर्स मासूम बच्ची लेकर बाप को मुबारक देते हुए इसके हाथों में थमा देती है। बाप नहीं दरिंदे ने बिना देखे बेड पर फेंक दी। मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, जख्मों से रस्ते खून से कुरलाती हुई माँ ने कहा बेटी तो रोज़े महशर आपको जन्नत में साथ लेकर जाएगी। जालिम बाप मुझे नहीं चाहिए। माँ इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो 9 माह पेट में रखा। मुझे बुखार हुआ, दवाई नहीं ली कि बच्चे पे असर ना हो। जो खाने मुझे अच्छे लगते थे छोड़ दिए थे कि बच्चे के लिए ठीक नहीं। उठते बैठते चलते फिरते एहतियात की कि बच्चे पे असर ना हो। दर्द से कुरलाती रहती थी पर दवाई नहीं खाती थी कि बच्चे पे असर ना हो जाए। भला मुझे बतलाओ तो सही, मेरा कसूर कहाँ है। बाप चंद मिनटों की पैदा हुई बच्ची को बेड पे फेंक के रूम से चला जाता है। फरिश्ते रोए नहीं कुरलाए होंगे जब जालिम बाप ने मौका पाते हुए 5 गोलियां एक मासूम को मार दी। पहली गोली पे बेटी ने कहा होगा, बाबा ना मारो, जब आप दफ्तर से थके आओगे मैं आपके शूज़ उतारूंगी, मैं आपके कपड़े इस्त्री किया करूंगी, मैं आपके इंतज़ार में पानी का गिलास लिए रोज़ाना दरवाजे पे आपका इंतज़ार किया करूंगी। दूसरी गोली पे अटकती सांसों के साथ कहा होगा, बाबा ना मारो मुझे, मेरी माँ मुझसे पहले मर जाएगी। बाबा ना मारो मुझे, मेरे लिए सिले छोटे छोटे कपड़े मेरी माँ को पागल कर देंगे। बाबा ना मारो मुझे।